जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सीखेंगे फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग। तो फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग में हमारा कंप्रेसर, रिले, OLP, थर्मोस्टेट, बल्ब, डोर स्विच, कैपेसिटर, ये सारे जो भाग आते हैं फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। तो फ्रिज में जो होता है हमारा कंप्रेसर जो आता है, कंप्रेसर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भागों के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दी जाती है और इसमें से गैस का संचार भी होता है, इसलिए मैकेनिकल भाग भी होता है और इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है। उसके बाद हमारा होता है रिले। तो रिले की चेकिंग हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, ओपन टाइप रिले और बॉक्स टाइप रिले की चेकिंग हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारे रिले में अब आता है हमारा LMS रिले। हमने कंप्रेसर की चेकिंग हमने पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका है हमारा। उसके बाद आता है LMS रिले। तो LMS रिले को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीरीज का बल्ब लेते हैं। सीरीज बनाना अगर आपको नहीं आता तो इसका सिंपल तरीका है, एक बल्ब लीजिए, एक होल्डर लीजिए, उससे दो तार निकलते हैं, उन दोनों तारों में न्यूट्रल अगर फेस देंगे, न्यूट्रल और फेस देंगे तो ये बल्ब जलेगा। अब हम किसी तार को यहां से तोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फेस का तार को तोड़ दिया, यहां से फेस के तार को तोड़ दिया और यहां से दो तार बढ़ा के लाएंगे आगे तक, यही जो हमारा दोनों तार हो गया, ये सीरीज तार हो गया, यानी कि इसको हम अगर यहां पे टच कराते सीरीज का बल्ब जलेगा, यही दोनों तार हमारे सीरीज के तार हो गए। ये सीरीज बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। और यहां पे हम क्या करते हैं, अब सीरीज के दोनों तारों से हम LMS रिले की चेकिंग करेंगे। LMS रिले यहां पे एक L पॉइंट और M पॉइंट, एक S पॉइंट होता है। LMS रिले का फुल फॉर्म होता है लाइन मेन स्टार्टिंग रिले। LMS रिले को चेक करने के लिए सीरीज के एक तार को हम L पॉइंट पर रखते हैं और सीरीज के दूसरे तार से हम इन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करते हैं, इन दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करते हैं। इस कंडीशन में किसी एक पर सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, अगर किसी एक पर सीरीज का बल्ब जल रहा है तो हमारा रिले 50% सही माना जाएगा, 50% हमारा रिले सही माना जाएगा अगर किसी एक पॉइंट पर बल्ब हमारा जल रहा है तो। इस कंडीशन में क्या होगा, एक पॉइंट पर जलेगा, जिस पॉइंट पर जलेगा वो M वाला पॉइंट होगा, क्योंकि L वाला पॉइंट और M वाला पॉइंट डायरेक्ट होता है, इसलिए यहां से देखिए फेस की कंटिन्यूटी L तक आ रही है और L से M पर होते हुए इस बल्ब में चली जा रही है, जिससे इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा सीरीज बल्ब वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा रिले इस कंडीशन में 50% सही माना जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हम इस LMS रिले को उल्टा कर देते हैं, इस LMS रिले को उल्टा करके देखते हैं एक बार। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसका पोजीशन कुछ बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब हम इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे L पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे दोनों S और M पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे M पॉइंट और यहाँ पे S पॉइंट हो जाएगा। तो M पॉइंट और S पॉइंट के बीच में एक प्लंजर नाम की पत्ती होती है, एक प्लंजर नाम की पत्ती होती है जो शार्ट मारकर रनिंग से स्टार्टिंग में कंप्रेसर को स्टार्ट करती है। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस उल्टी पोजीशन में हम इसको क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो सीरीज के इन्हीं दोनों तारों से हम इसकी चेकिंग फिर से करेंगे। तो एक तार को हम रखेंगे L पॉइंट पर, एक तार को हम L पॉइंट पर रखेंगे। आपको पहले मैंने बताया कि L पॉइंट से M पॉइंट डायरेक्ट होता है, तो एक तार हम L पॉइंट पर रखेंगे। अब सीरीज के दूसरे तार से अगर हम M पे चेक करते हैं तब तो ये कंटिन्यूटी बताएगा ही, क्योंकि L पॉइंट से M पॉइंट डायरेक्ट होता है हमेशा, चाहे सीधी पोजीशन पर रखें चाहे उल्टी पोजीशन पर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बल्ब सीरीज का जलेगा L पॉइंट से M पॉइंट पर। अभी 100% तब सही होगा जब उल्टी पोजीशन पर करने पर M और S दोनों पिनों पर हमारी कंटिन्यूटी बताएगा, तभी हम इसको 100% सही मानेंगे, अन्यथा ये खराब होगा। तो हम इस तार से, यानी कि सीरीज के एक तार को L पॉइंट पर रख दिए और सीरीज के दूसरे तार से एक बार M पर और एक बार S पर रखेंगे, यानी कि बारी बारी से इन दोनों पिनों को चेक करेंगे। अगर दोनों पर कंटिन्यूटी आ रही है तो हमारा रिले 100% सही माना जाएगा। पहली कंडीशन पे एक तार पे आ रही थी, यानी कि एक पिन पर आ रही थी, तब रिले हमारा सीधी पोजिशन पर था। अब हमारा जब रिले उल्टी पोजिशन पर आ गया है तो M और S पर जो प्लंजर नाम की पत्ती है, M पॉइंट से S पॉइंट पर डायरेक्ट टच हो जाती है बिना कोई सप्लाई दिए ही, इस वजह से क्या होता है, L पॉइंट से M पॉइंट डायरेक्ट ही था और प्लंजर नाम की पत्ती ये पूरे माध्यम को कंडक्टर बना देती है, इसकी वजह से क्या होता है, M पॉइंट और S पॉइंट दोनों पर कंटिन्यूटी आने लगती है, जिससे हमारा रिले क्या होता है 100% सही होता है, यानी कि हमारा LMS रिले इस कंडीशन में 100% सही है। इसको हम किसी फ्रिज में प्रयोग कर सकते हैं जिस फ्रिज में हमारा LMS रिले लगता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि LMS
एमएस रिले और पीटीसी रिले के साथ रनिंग कैपेसिटर भी प्रयोग किया जाता है। तो रनिंग कैपेसिटर की अगली प्रक्रिया हम बताएंगे, जब हम कैपेसिटर में पढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा हम बताएंगे, कि एलएमएस रिले में कैपेसिटर किस प्रकार से जोड़ते हैं, किसमें जुड़ना चाहिए, किसमें नहीं जुड़ना चाहिए, हम ये सारी चीजें बताएंगे। तो एलएमएस रिले से संबंधित अगर कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी जो फ्रिज के अभी पार्ट चल रहे हैं, एक पार्ट दो पार्ट यानी कि हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम रिले की चेकिंग बता रहे हैं। तो रिले की चेकिंग बताने के बाद हमारे पास ओएलपी थर्मोस्टेट बल्ब डोर स्विच कैपेसिटर हम सबकी चेकिंग बारी बारी से कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।